तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं घरो ॿीहर अव्हां खे भलीकार ऐं मथे रमज़ान जी रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन खे अॻिते वधायूं था। परवेज़ इक़बाल आराई साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। पाण शरीफ़ फाउंडेशन जा चेयरमैन आहे। परवेज़ साहब, कौन कौन से इलाइक़ो में स्पेशली जो है आपकी मेडिकल कैंप्स जो है वो लगाई जाती हैं और कौन कौन सी बीमारियों के हवाले से लगाई जाती हैं? मेडिकल तो हमारे जनरल ओपीडी पे होते हैं, तमाम बीमारियां उसमें शामिल होती हैं। दही जैसे गोट्स हैं, गोट वगैरह, रेडी गोट है, जामकंडा गोट है और कुछ संदीप की साइड पर कुछ गोटे हैं, वहां पे हम जाते हैं तो वहां जाके जनरल मेडिकल कैंप होते हैं तमाम। अच्छा, जो ये मेडिकल कैंप्स लगती हैं वो मंथली बेसिस पे लगती हैं, वीकली बेसिस पे लगती हैं? मंथली बेसिस पे लगती हैं। और कितने तकरीबन जो पेशेंट हैं वो अफादा हासिल करते हैं? पेशेंट 400-500 पेशेंट मामूली बात है, बाकी कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ तो 1500-2000 पेशेंट भी हो जाते हैं। अच्छा, मेडिकल जो है कैंप लगाने के लिए जरूर मेडिकल जो है स्टाफ की भी जरूरत पड़ती होगी और डॉक्टर्स की भी, तो कितने डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी फाउंडेशन का हिस्सा? कम से कम 5 डॉक्टर होते हैं हमारे पास, कम से कम, बाकी इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। अच्छा, 5 डॉक्टर? 5 डॉक्टर, बाकी जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वो अलहदा। अच्छा, वो जो 5 डॉक्टर्स हैं उनको आप पे करते हैं या वो रजाकाराना तौर पर जो है आपके पास काम? ज्यादातर रजाकाराना तौर पर। रजाकाराना तौर पे हैं। उनकी जो है क्या सिंपल MBBS है या कोई उनकी एफिलिएशन? MBBS होते हैं, उनको खाना और उनके पैक एंड ड्रॉप्स इस तरह के मामला। अच्छा, यानी सहूलियात आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं, पैक एंड ड्रॉप और खाना।